दुबई की अरबों डॉलर की एक ऐसी योजना जो ज्यादातर खाली और सुनसान पड़ी है। ये परियोजना 260 छोटे छोटे द्वीपों का एक जाल है, जिन्हें दुनिया के सभी महाद्वीपों के आकार में विकसित किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुए 20 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। सवाल ये है कि द वर्ल्ड आइलैंड्स के साथ आखिर हुआ क्या है। द वर्ल्ड नाम की इस परियोजना की परिकल्पना 260 आर्टिफिशियल द्वीपों के तौर पर की गई थी। इन्हें इस तरह बनाया जाना था जिस तरह धरती पर सारे महाद्वीप आबाद हैं। ये प्रोजेक्ट दुबई के समुद्र तट से लगभग 4 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा था। हर द्वीप का नाम उस देश, इलाके या शहर के नाम पर रखा गया जिस महाद्वीप में वो स्थित है। इस परियोजना के तहत प्राइवेट कंपनियों को इन द्वीपों पर तमाम सुविधाओं जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट या बंगलों, कोठियों का विकास करना था। उम्मीद ये लगाई गई थी कि इससे दुबई आने वाले सैलानियों की तादाद में बढ़ोतरी होगी। इस परियोजना का ऐलान 2003 में दुबई के शासक शेख मोहम्मद अल मखतूम ने किया था। सरकार से मदद पाने वाली एक कंपनी नखील प्रॉपर्टीज ने द वर्ल्ड पर 2003 में ही काम शुरू कर दिया था। इस कंपनी ने पाम जुमेराह के नाम से एक बनावटी द्वीप विकसित भी किया। इन द्वीपों को फारस की खाड़ी के समुद्र तल से 32.1 करोड़ घनफुट रेत निकालकर बनाया गया था। पर्यावरणविद कहते हैं कि समुद्र की तलहटी से रेत की खुदाई किए जाने से फारस की खाड़ी में मूंगे की चट्टानों को काफी नुकसान पहुंचा है। नखील प्रॉपर्टीज ने उन्हें फिर से बनाने और मूंगों को दोबारा आबाद करने के लिए समुद्री जीव वैज्ञानिकों की सेवाएं ली थीं। नखील प्रॉपर्टीज ने इन आर्टिफिशियल द्वीपों और आसपास के समुद्री इलाके का निर्माण 2008 में पूरा कर लिया था, लेकिन फिर अमेरिका से शुरू हुए वित्तीय संकट ने दुबई को भी अपनी चपेट में लिया और इसका असर 2010 तक रहा। इस दौरान दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतों में काफी गिरावट आ गई। इसकी वजह से बहुत सी निजी कंपनियों ने या तो इस योजना से अपने हाथ खींच लिए या फिर उन्हें रोक दिया। खुद नखील प्रॉपर्टीज के ऊपर भी अरबों डॉलर का कर्ज चढ़ गया। द वर्ल्ड की बनावट पर बड़ा काम करने के लिए नखील प्रॉपर्टीज अब ठेकेदार तलाश रही है। इस परियोजना के तहत सभी 260 द्वीपों को महाद्वीपों के तौर पर एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। मूल रूप से तो द वर्ल्ड के हर द्वीप के लिए पानी और बिजली की अपनी अलग सुविधा होनी थी, लेकिन ये बहुत महंगा और अव्यवहारिक विकल्प था। जब इन बनावटी द्वीपों को महाद्वीपों के तौर पर एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा तो उसके बाद ये द्वीप बिजली, पानी जैसी सुविधाएं एक दूसरे से साझा करेंगे।